हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करूंगा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में होने वाले अपकमिंग मैच की बेस्ट एनालिसिस के बारे में, जो कि खेला जाएगा नाम्बिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस मैच की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिलेगी, लाइक दोनों ही टीमों की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 से लेकर हेड टू हेड स्टैट्स, की प्लेयर्स, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस और किस टीम के जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा और किसके कम है, सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो में यार पूरा एंड तक बने रहिएगा और एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो में दी गई डिटेल पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को दे रखा है, तो वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लाइनअप्स आने के बाद आप लोगों को जो फाइनल टीम है मैं उसी पर प्रोवाइड करवाता हूँ। सो बिना देरी के यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एनालिसिस देना स्टार्ट कर देता हूँ। सो दोस्तों, ये जो गेम है ये खेला जाएगा कल 3:30 बजे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हर एक दिन में दो दो मैचेस हो रहे हैं, तो ये गेम खेला जाएगा कल। और ये आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए की है दोनों ही टीमें और ये 11th मैच है। सो यहाँ पर वेन्यू जो है इस बार शारजा क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है, जो कि शारजा में ही है। अभी तक सिर्फ ये दो ग्राउंड ही यूज़ हुए हैं, एक तो अल अमीरत वाला और एक शारजा वाला। वेदर रिपोर्ट की बात करो दोस्तों, तो वेदर काफ़ी क्लियर है। और बाकी यहाँ पर पिच रिपोर्ट के ऊपर मैं आऊँ तो हम एक बढ़िया कॉम्पिटिशन देखने वाले हैं दोस्तों बैट एंड बॉल के बीच में, क्योंकि इस ग्राउंड के ऊपर अधिकतर जो सक्सेसफुल रहे हैं वो बॉलर्स ही रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर बनता हुआ दिख सकता है 140 के आसपास का। दोनों ही टीमें दोस्तों यहाँ पर अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेंगी, ताकि शुरुआत में दोस्तों जो पिच ड्राई रहता है तो उसका जो फ़ायदा है वो उठा सके बॉलिंग करके। हेड टू हेड स्टेट्स की तरफ नज़र डालें तो आयरलैंड ने लास्ट 5 मीटिंग्स में नाम्बिया को 5 बार हराया है। और ओवरऑल मुकाबलों की बात करूँ तो 6 मुकाबले खेले गए, जिसमें से सिर्फ एक बार ही नाम्बिया जीत पाई है और बाकी के जो 5 मुकाबले हैं वो आयरलैंड ने जीते हैं। तो ये रिकॉर्ड देख के आपको अब तक तो लग ही रहा होगा कि हाँ, नाम्बिया जैसी जो टीम है वो आयरलैंड से तो पार नहीं पा सकती है। आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस लगभग सेम ही रहा है दोनों ही टीम का। जहाँ नाम्बिया ने अपना लास्ट मैच जीता और उससे पहला वाला हारा, वहीं आयरलैंड ने अपना लास्ट मैच हारा और उससे पहले वाला जीता। अब बात करूँ दोस्तों यहाँ पे दोनों ही टीमों की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की, तो स्टीफन बार्ड, जेन ग्रीन, क्रेग विलियम्स और जिराड हेरमस, ये है दोस्तों नाम्बिया की पूरी टीम। मैं हर एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को प्लेयर की डिटेल अब तक तो पता लग ही गई है। कैप्टनसी यहाँ पे जिराड एरमस के हाथ में यहाँ पे नाम्बिया की। और आयरलैंड की बात करूँ तो आयरलैंड की कैप्टनसी है एंड्रू बालबरीदी के हाथ में, जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन जीत नहीं दिला सके क्योंकि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर पूरा फेल हुआ था यहाँ पे। सो ये है दोस्तों दोनों ही टीमों की प्रॉबेबल प्लेइंग 11। इसके अंदर किसी भी तरीके का अपडेट हुआ टॉस के बाद तो उसका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा जैसे ही लाइनअप्स आती हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स की, सो नाम्बिया की तरफ से लास्ट 2 मैचेस के अंदर जिन जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन सब के रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेग विलियम्स है, जिराड एजमस है, डेविड बीसे हैं, जे स्मिथ है और जेन फ्राइलिंग है। ये है दोस्तों कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने नाम्बिया की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं आयरलैंड की तरफ से बात करूँ तो हमारे पास है पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बालबरीनी, गैरेथ डेलनी, मार्क अडायर और जोशुआ लिटिल। और हेड टू हेड मैचेस के अंदर भी दोस्तों जो हमारे पॉल स्टर्लिंग है उनका रिकॉर्ड नाम्बिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि 5 मैचेस में उन्होंने 148 रन बनाए हैं। तो ये रिकॉर्ड आप लोगों के काम भी आ सकता है, जो कि आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं। वहीं नाम्बिया के जे स्मिथ ने दोस्तों 6 मैचेस जो टोटल अब तक हुए हैं उसमें 4 विकेट निकाले हैं। और पॉल स्टर्लिंग ने भी दोस्तों यहाँ पर 5 विकेट लिए हैं। तो जिन जिन प्लेयर्स के नाम मैं यहाँ पे आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दूंगा उनमें इन दोनों के नाम यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पर डेविड बीसे को भी दोस्तों मैंने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि डेविड बीसे का जो इंक्लूज़न है वो यहाँ पे नाम्बिया का जो बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, मिडिल ऑर्डर स्पेशली, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाता है, जिससे दोस्तों यहाँ पे नाम्बिया जो है उसका जो स्ट्रेंथ बैटिंग और बॉलिंग के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है।
सो इसलिए दोस्तों डेविड वीसे को मैंने यहाँ पर रखा है स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं अपकमिंग मैच के अंदर भी। बाकी पॉल स्टर्लिंग है, जे जे स्मिथ है, जेरार्ड एरास्मस हैं, इनको ज़रूर से दोस्तों आप लोग ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग के अंदर अपने कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर। बाकी मेरे लिए जो मेन चॉइसेस रहेंगी वो डेविड वीसे और पॉल स्टर्लिंग की रहेगी। यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए ग्रैंड लीग के अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो मेरे पास ये नीचे कुल 6 ऑप्शंस है टोटल, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए। इन 6 में से दोस्तों आप जिनको भी पिक करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट टीम बना के। इन 6 ऑप्शंस में से दोस्तों कोई भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि कर्टिस कैम्फर की बात करूँ तो लास्ट मैच में भले ही गेंदबाजी में फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले 4 बॉल पर 4 विकेट इन्होंने निकाले थे। जेन फ्राई लिंक ने लास्ट मैच में काफ़ी प्रभावित किया था, 2 विकेट इन्होंने भी लिए थे। और क्रेग विलियम्स दोस्तों मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी खासी यहाँ पर पारी खेल सकते हैं। सो दोस्तों ये है इस मैच का पूरा एनालिसिस जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। अगर आप लोगों को दोस्तों एनालिसिस से थोड़ी भी हेल्प होती है तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करिए कीजिए अपने सपोर्ट दिखाने के लिए। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर टीम की, सो जैसा कि आप सब लोग देख पाते हैं हर वीडियो में कि मैं आपको नया 11 की टीम यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। सो दोस्तों जो नया 11 है वो अभी रिसेंटली नया ऐप लॉन्च हुआ है और नाम भी नया 11 ही है, और यहाँ पर आप लोगों को कॉम्पिटिशन एज़ कम्पेयर टू अदर ऐप्स काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो ऐप है वो न्यूली रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो ज़्यादा प्लेयर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे लाइक अदर ऐप्स लाइक ड्रीम 11 और माई टीम 11 जैसे बड़े ऐप। यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है कि यहाँ पे आप लोगों को टीम बनाने के लिए क्रेडिट्स इशू का फेस नहीं करना पड़ता है। तो जो भी क्रेडिट इशू दोस्तों आप लोगों को अदर ऐप्स में फेस करने को मिलता है वो आपको इस ऐप में बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगा। देन दोस्तों यहाँ पर बात करूँ मैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को आपका पैसा भी इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा दिया जाएगा, उसके लिए बस आपको अपनी KYC वेरीफाई करानी होती है जब आप साइनअप करते हैं। तो देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है ग्रुप कॉन्टेस्ट बना के भी खेल सकते हैं, मीन्स आप पार्टनरशिप में खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपकी विनिंग रहेगी वो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं अगर आप चाहें तो एक दूसरे के साथ में। सो दोस्तों काफ़ी बढ़िया ऐप है, यूनिक फीचर्स के साथ अभी लॉन्च हुआ है और बिल्कुल ट्रस्टेड है 100%। तो दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए, क्योंकि डाउनलोड पर ये ऐप आप लोगों को 100 रुपीज़ का बोनस भी देगा, और जो 100 रुपीज़ का बोनस होगा दोस्तों वो आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग के लिए। सो डाउनलोड करते हुए आप लोगों को जो है रेफ़र कोड डालना रहेगा, रेफ़र कोड भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखा है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर इस ऐप में टीम बनाने की, सो मैंने जो इस ऐप में अपनी टीम बनाई है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी ईजी है इस ऐप में टीम बनाना, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिकली आप अपनी टीम फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 4 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 2 बॉलर्स रखे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ जो है मिनिमम 3 बॉलर रखने हैं, मिनिमम 4 बैट्समैन रखने हैं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट टीम लगती है वो बनाइए और यहाँ पर जो है खेलिए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टीम बनाना काफ़ी ही ईजी है, और इसलिए मैं ये आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ड्रीम इलेवन में आप देखते हैं कि कॉपीड टीम आ जाती है और जिससे आप लोगों को दोस्तों जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टेंट प्रॉफिट में रहने में, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने नहीं वाला, आप अपनी अलग ही टीम बना सकते हो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सो मेरे कैप्टन हैं दोस्तों यहाँ पर डेविड वीसे अभी के लिए, और वाइस कैप्टन मैंने पॉल स्टर्लिंग को बनाया है। सो अभी के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये टीम बनाई है, बाकी फाइनल टीम तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। सो दोस्तों वेट क्या कर रहे हो, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक जरूर करिएगा, जहाँ पर मैंने आप लोगों को डाउनलोड लिंक दे रखा है विद रेफर कोड। रेफर कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को जो है हर मैच का 100% जो 100 रुपीज़ का जो बोनस है इस ऐप का वो मिल जाए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए मैच एनालिसिस के साथ। तब तक लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।